सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके डिवाइस में 90 fps कैसे अनलॉक करना है। वीडियो को एकदम ध्यान से देखना और पूरा देखना, इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे आपको करना है, तो एक भी पार्ट मिस मत करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने प्रीवियस गिव अवे का विनर का अनाउंस कर देते हैं। अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो टोटल अपने पास 48 कमेंट आए थे। इस बंदे को हम डिस्क्वालीफाई करेंगे क्योंकि हमने रूल रखा था कि भाई कमेंट के साथ अपना BGMI का कैरेक्टर आईडी भी मेंशन करना, लेकिन इस भाई ने किया नहीं था, तो ये भाई डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और दूसरा करते कौन होता है, इस भाई ने भी सेम गलती की है कि भाई अपना कैरेक्टर आईडी मेंशन नहीं किया। भाई मैंने सबको बता रखा था कैरेक्टर आईडी मेंशन करना है। देखो भाई, कई बंदे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं आपके सामने। तो फाइनली विनर आ गया अपने सामने, साहिल भाई अपने विनर है। तो ये रहा गिव अवे का प्रूफ। मैंने विनर पहले ही पिक कर दिया था और उसको RP भी दे दिया था, लेकिन वीडियो आज डाल रहा हूँ तो आज प्रूफ दे रहा हूँ, डिले हो गया थोड़ा सा। तो बात करते हैं 90 fps अनलॉक कैसे करना है। 90 fps अनलॉक करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। दोनों का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले आपको सिजुको ऐप ओपन कर लेना है। जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले आपको पेयरिंग पे क्लिक करना है, बाद में नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, और बाद में अलाउ कर देना नोटिफिकेशन को। उसके बाद आपको फोन की सेटिंग पे आ जाना है। फोन की सेटिंग पे आने के बाद आपको अबाउट डिवाइस पे क्लिक करना है, वर्जन पे क्लिक करना है, और जब तक ये अनेबल ना हो जाए डेवलपर ऑप्शन तब तक क्लिक करते रहना, मतलब 3 बार क्लिक करना पड़ेगा आपको सिर्फ। जैसे आपका फोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाए तो आपको फोन के एडिशनल सेटिंग पे जाना है। वहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो भी मैं सेटिंग ऑन कर रहा हूँ आपको वो सेटिंग ऑन करनी है। ऊपर स्क्रॉल करना है, वहाँ पे लिखा होगा USB डबिंग, उसको ऑन कर देना है। उसके एग्जैक्ट नीचे आपको वायरलेस डबिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको ऑन करना है, लेकिन ये ऐसे ऑन नहीं होगा, आपको किसी का भी हॉटस्पॉट कनेक्ट करना पड़ेगा, वाईफाई से ही होगा वरना नहीं होगा। तो कोई भी वाईफाई कनेक्ट करके आपको सिंपल इस पे टैप कर देना है, वायरलेस डबिंग के अंदर चले जाना है, बाद में इसको ऑन कर देना है। एक बार ऑलवेज अलाउ पे टिक करके आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद एक बार आपको बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से आपको वायरलेस डबिंग पे क्लिक करके सेकंड वाला ऑप्शन आपको जो दिखेगा पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कोड और सिजुको एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पहले आपको ये कोड डाल देना है। जैसे ही कोड डालोगे तो आपका डिवाइस सिजुको से पेयर हो जाएगा, इससे कोई भी आपका डिवाइस रुक नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको फिर से सिजुको एप्लीकेशन ओपन कर देना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और आपके सामने ऐसा एरर आ जाएगा। अगर ये एरर आपको आता है तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, फोन की सेटिंग पर फिर से चले जाना है और डेवलपर सेटिंग पे जाना है और एकदम नीचे स्क्रॉल कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वीडियो में, नीचे चले जाना है एकदम, और बाद में डिसेबल परमिशन का ऑप्शन आएगा, उसको आपको अनेबल कर देना सिंपली। ये सेटिंग ऑन करने के बाद आपका एरर हट जाएगा और आपका काम यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद आपको दूसरा वाला एप्लीकेशन ओपन कर लेना है 90 fps का, जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, सिंपली आपको सेकंड वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना वरना आपका 90 fps अनलॉक नहीं होगा। इतना करने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन देखेगा चूज वर्जन, उसमें आपका जो भी वर्जन वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरा BGMI तो मैं BGMI सिलेक्ट करूँ, और जो भी आपको FPS चाहिए वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको दूसरी बार ऑप्शन आएगा तो आपको लॉन्च गेम कर देना है। जैसे ही आप लॉन्च गेम करोगे तो आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सेटिंग पे जाकर ग्राफिक सेटिंग पे चेक करोगे तो वहाँ पे आपको FPS शो नहीं होगा, लेकिन अगर आप FPS मीटर पे देखोगे तो आपको वहाँ पे शो होगा कि आपका एक्चुअल में वर्क कर रहा है। आप खुद देख सकते हो, मैं ग्राफिक सेटिंग पे गया तो वहाँ पे मुझे अल्ट्रा शो कर रहा था, 40 FPS शो कर रहा था, लेकिन मैं FPS मीटर पे देखा तो वहाँ पे 60 FPS दिखा रहा था। तो अगर आप ग्राफिक सेटिंग पे जाकर चेक करोगे तो वहाँ पे आपको FPS शो नहीं होगा, लेकिन अगर आप FPS मीटर पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अनलॉक हो गया है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हो कि और भी RP गिव अवे आए तो आप कमेंट में जरूर बताना।